मिस्टर सल्टन, जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर पोजीशन होल्ड करते हैं और मिलियंस कमाते हैं, उन पे मेंटल इलनेस का इल्जाम लगाया गया है। वो अपने लॉयर को कहते हैं कि अगर वो मेंटल इलनेस का शिकार होते तो वो इतनी हाई पोजीशन पे कैसे होता है? सुल्तान रेफरेंस देते हैं कि रिलीजन में डिवोर्स को सबसे बुरा परमिसिबल एक्ट माना जाता है और वो नहीं चाहते कि उनका घर टूटे। उन्होंने अपने लॉयर से कहा कि वो किसी भी फी पे केस जीतना चाहते हैं ताकि उनकी बीवी असरा उनके पास वापस आए। सुल्तान का मानना है कि असरा के भाई और उसकी फैमिली उनके अगेंस्ट साजिश कर रहे हैं और उनकी सिस्टर इन लॉ ने असरा को इंस्टिगेट किया है। वो अपने लॉयर से कहते हैं कि असरा के फैमिली के अगेंस्ट किडनैपिंग का केस फाइल करें। कोर्ट में सुल्तान के लॉयर ने मेंटल हेल्थ एलिगेशंस को बेसलेस कहा। सुल्तान के लॉयर ने कहा कि यह शादी दोनों की रजामंदी से हुई थी और वो हैप्पीली रह रहे थे जब तक असरा की फैमिली बीच में नहीं आई। असरा का भाई कहता है कि सुल्तान ने असरा को इतना मेंटल टॉर्चर दिया कि उसका होश उड़ गया। सुल्तान के लॉयर ने इस एलिगेशन को चैलेंज किया और एक मेडिकल सर्टिफिकेट पेश किया जो कहता है कि आसरा को ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। जज ने डिसाइड किया कि आसरा को कोर्ट में आना पड़ेगा जब वो रिकवर हो जाएगी। सुल्तान का कहना है कि वो आसरा से तालक नहीं देंगे, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो। उनका कहना है कि वो अपने घर को बनाना चाहते हैं, तोड़ना नहीं। आसरा के भाई का कहना है कि सुल्तान एक सडिस्टिक इंडिविजुअल है जो आसरा को टॉर्चर करता है। सुल्तान ने अपने डिफेंस में कहा कि उन्होंने सब कुछ सह लिया अपनी शादी के लिए। असरा का भाई साइकाइट्रिस्ट के पास ले गया था और डॉक्टर ने कहा कि ट्रीटमेंट सुल्तान को चाहिए, असरा को नहीं। असरा के फैमिली ने सुल्तान के मेडिकल सर्टिफिकेट को चैलेंज किया और कहा कि वो फेक हो सकता है। सुल्तान ने धमकी दी कि वो असरा को इनसेन साबित कर देंगे ताकि अपनी रेप्यूटेशन बचाए। सुल्तान का प्लान है कि अगर असरा की फैमिली नहीं मानती तो वो दोबारा शादी करेंगे। सुल्तान की फैमिली का मानना है कि उनके पास अपर हैंड है और वो इजीली सुल्तान की शादी दोबारा कर सकते हैं। असरा को अपने घर को बनाने में नाकामी का सामना करना पड़ा। असरा का भाई उसको रीअश्योर करता है कि वो सब हैंडल करेगा। असरा सुल्तान के घर से निकालने के बाद थोड़ी बेटर फील कर रही है और उसका भाई उसको चैरिटेबल एक्टिविटीज में बिजी रखता है। सुल्तान एक सोशल मीडिया सेलिब्रिटी के तौर पे रिकॉग्नाइज होते हैं जो पब्लिक परसेप्शन को अफेक्ट करता है। सुल्तान के एक्शंस ने असरा को सोशली और मेंटली आइसोलेट कर दिया है। असरा की फैमिली बिलीव करती है कि सुल्तान ने असरा को मेंटली टॉर्चर किया। सुल्तान अपनी फैमिली में डिवोर्स को एक स्टिग्मा के तौर पे देखता है और वो नहीं चाहते कि उनकी रेप्यूटेशन खराब हो। पब्लिक परसेप्शन और सोशल स्टैंडिंग का सुल्तान की फैमिली को फिकर है। असरा अपनी स्ट्रगल के बावजूद डिटर्मिंड है कि वो सुल्तान को छोड़ देगी। लीगल बैटल कंटिन्यू रहती है और दोनों साइड्स नेक्स्ट कोर्ट डेट के लिए प्रिपेयर कर रही हैं।